Lord Linlithgow, the longest serving Viceroy of India. इन्हीं के समय भारत में वर्ष 1936-37 में पहली बार आम चुनाव हुए। ये चुनाव केवल ब्रिटिश प्रोविंसेस में हुए, हालांकि प्रिंसली स्टेट्स ने इन चुनावों में भाग नहीं लिया। वर्ष 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर नई पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, और वर्ष 1941 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। भारतीयों के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव लिए क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में भारत आया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1939 से 1945 के बीच चलने वाला द्वितीय विश्व युद्ध भी उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ।